गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस तिवारी ब्लॉग। सो गाइस, आज रास पूर्णिमा है। रास पूर्णिमा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, हमारे घर पे कीर्तन हो रहा है क्योंकि आज रास पूर्णिमा है। और एक चीज़ भी है, जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैंने बताया पहले वाले ब्लॉग में, कि आज मेरे ससुर जी का 10 साल का बरसी है, तो इसलिए मेरी सास जो है कीर्तन करवा रही हैं घर पे। और काम तो ऐसे हो ही रहा है, और मतलब कि जो बरसी में जो होता है खाना वाना खिलाना सभी को बरसी करने के बाद, और कीर्तन भी करवा रही। तो यहाँ देखिए लल्ला लोग भी बैठे हुए हैं। लेफ्ट हैंड में जो है ये फर्स्ट, ये मेरी ननद का है लल्ला, और बीच वाला तो लल्ला है अपना पता है, और उसके लल्ला के पास में जो बैठा हुआ मेरी देवरानी का है, उसके बाद है लड्डू, और लल्ला के ठीक ही सामने ये देखिए एक छोटू सा लड्डू गोपाल है, वो भी मेरी देवरानी का, और पीछे कृष्ण आते वो जो है वो मेरा है। तो यहाँ पे देखिए कीर्तन चल रहा है, और यहाँ मैं शंख बजा रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं कीर्तन अटेंड कर रही हूँ, पहले इससे पहले कभी कहीं कीर्तन में अटेंड नहीं की हूँ। जगराता में मैं गई थी एक बार मेरी दीदी की फ्रेंड के घर पे, और ये वाला कीर्तन जो है हमारे घर पे हो रहा है, तो मैं इससे पहले कभी अटेंड नहीं की। और ये देखिए, ये मेरी ननद की सास है, ये मेरी ननद हैं, और ये मेरी सासू माँ हैं। आप लोग एक बार देखे हैं मेरी सास को मम्मा के बर्थडे वाले ब्लॉग में, एक लास्ट ईयर के बर्थडे में आप लोगों ने देखा होगा। और तो मेरी सास जो है नीचे वाले रूम में ही रहती हैं, क्योंकि उनके पैर में दर्द है, तो इसीलिए वो सीढ़ी मतलब कि ऊपर नीचे नहीं कर सकती, जिसके वजह से वो नीचे ही रहती है। जब उनको डॉक्टर के पास जाना होता है या फिर वो मेरी ननद के घर जाती है या कहीं भी जाती हैं, तो ऊपर नीचे नहीं कर सकती हैं। और मेरी सास का जो है ना, मेरी सास को पेस मेकर भी लगा हुआ है, जिसके वजह से वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करती हैं, इसीलिए वो नीचे ही रहती हैं। तो और ये देखिए, और ये जो आंटी लोग हैं ना, देखिए कितने अच्छे से डांस करते हुए कीर्तन कर रही हैं, कृष्ण नाम जाप कर रही हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी, और पता नहीं ये आंटी मुझे देख के हंस रही थी। और हाँ, ये जो पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है, आंटी का भी एक चैनल है, क्योंकि ये मुझे बोल रही थी कि मेरा भी है, मैंने भी ये डाला है। मैं बोली वाह बहुत अच्छा है, इसी वजह से ये पता नहीं क्यों मुझे देख देख के हंस रही थी, पता नहीं वीडियो हो रहा था इसके वजह से या फिर किस लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत इंजॉय की कीर्तन, आप लोग भी इंजॉय कीजिए इस कीर्तन को। और कीर्तन करवाना बहुत अच्छा होता है मैंने सुना है, और हम लोग मैं सुनी हूँ कि इससे पहले भी मतलब जब मेरे ससुर जी का मतलब ये वो एक साल शायद जब एक साल हुआ था मेरे ससुर जी का मतलब कि गुजरने के बाद एक साल हुआ था शायद, तब भी ऊपर वाले घर पे मतलब मेरे रूम में तब ये कीर्तन वगैरह हुआ था। करना पड़ता है एक साल के बाद, और इसीलिए तो किए थे। और उसके बाद मेरी सास का इच्छा था, सासू माँ का, कि 10 साल में एक कीर्तन रखवाएंगी, इसीलिए उन्होंने फिर से कीर्तन रखवाया है। तो ये देखिए, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और किसको कीर्तन अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या ही और बताऊँ, मतलब होता है तकलीफ़, होता है दुख लगता है कि एक माँ हो या फिर पिताजी हो या भाई बहन जो भी हो, सब एक साथ रहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा होता है ना कि कोई चला जाता है, तो बहुत तकलीफ़ होता है। और जो भी हो, बस यही भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि जहाँ भी रहें अच्छे रहें, वो हमेशा अच्छे रहें, जिस रूप में भी रहें हमें हमेशा आशीर्वाद दे, हमारे साथ हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। और हाँ, एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को, मैं तो कभी अपने ससुर जी को देखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे शादी से पहले ही वो गुजर गए थे। तो लेकिन कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो इनके बारे में अच्छा ना बोला हो। मैं जिनसे भी मिली हूँ ना, मेरे ससुराल वालों के तरफ मतलब कोई भी रिलेटिव हो या फ्रेंड सर्कल में हो, जान पहचान के हो, सभी कोई ना बहुत नाम करते हैं, बोलते हैं कि इनके जैसा इंसान हो ही नहीं सकता, मतलब इतना सीधा, इतना अच्छा, मतलब किसी का कभी ना किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना, ना किसी के लिए बुरा करना, मतलब हमेशा और हमेशा मतलब हमेशा इनके फेस पे स्माइल रहता था। कोई कुछ बोलते भी थे ना, तो ये हमेशा हंसते थे। मतलब मेरा तो दिल करता, मतलब मैं सच
बोलूँ, मेरा बहुत मन करता है ना कि काश मैं एक बार उनसे मिलती। मतलब मेरी शादी होने के बाद वो गुजरते तो फिर अलग बात होता, मेरा सौभाग्य होता कि मैं उनको देखती। जिनके बारे में मैं इतना सुनती हूँ तो मैं मिलती तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता। मतलब मैं देखती, मैं मिलती, मुझे मौका मिलता उनसे मिलने का, लेकिन पता नहीं भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था, ऐसा नहीं हो पाया। कोई नहीं, बस यही चाहूँगी कि हमेशा वो तो ऊपर वो देख रहे होंगे हम लोगों को, जहाँ भी होंगे, जिस रूप में भी होंगे, तो हमारे ऊपर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बस इतना ही भगवान से प्रार्थना करूँगी, बस इतना कर दे। ये देखिए, अब इन लोग ऊपर आकर कुछ देर के लिए ऊपर भी जो है ना कृष्ण नाम जाप कर रहे थे, मतलब कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन का एक दो गाना गा दे रहे थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले थे कि जहाँ लल्ला रहता है, लल्ला के रूम में भी एक बार ले जाके मैं करवाऊँगा, तो इन लोगों से बोले और इन लोग बोले कि ठीक है, कर देंगे। उसके लिए कुछ दक्षिणा देना पड़ता है, तो हम लोगों ने दक्षिणा दिया और इन लोग ऊपर आकर भी जो है ना कीर्तन कर दिए। तो चलिए हरि बोल। आज हम लोग बहुत सुबह सुबह उठे, मम्मा और मेरे हस्बैंड लोग थोड़ा लेट से उठे थे, बाकी हम लोग हर कोई, मेरी सास, मेरी ननद, मैं, हम लोग सुबह सुबह उठकर लल्ला के लिए नारियल का लड्डू और पायस बनाई थी, खीर, और नीचे खाना बना रही थी मेरी ननद सबके लिए, जितने भी गेस्ट आएंगे इस कीर्तन में उन लोगों के लिए। तो हम लोग सुबह से इंतज़ाम में लगे पड़े थे मेरे ससुर जी के लिए खाना लेकर। खाना देना पड़ता है आज के दिन, तो मेरे हस्बैंड आए हैं देने के लिए, क्योंकि ये बड़े बेटे हैं, तो मेरी सास बोली कि इन्हीं को देने के लिए। आए 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 रखो रखो थाला थाला बेर देखो कौवा आ गया। ये थालाटा सोरिए प्लेटटा रेखे देवे। ना ना ওই কেই দাও হবে না ছড়ি দেবে হ্যাঁ ডাল দিলাম কিষ্টি দিয়ে দিলাম আর জলটা ওদিকে রেখে দাও ওই থালায় রাখো বাস হ্যাঁ আর বুলাও আয় 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 सोरे आसो नाय आय कौवा लोग आ रहे आएगा और खाएगा बुलाओ बुलाओ
तो चलिए गाइज, इन मतलब कि जो कीर्तन के लोग हैं उन लोगों को सेवा करवाने के लिए बैठ गए हैं। ये देखिए मेरी सास जो दे रही है इन लोगों को खाना, और इन लोग सब लोग खा लेंगे, तो उसके बाद जो बाकी गेस्ट हैं उन लोगों को भी खाना देना है, उन लोगों को भी सेवा करवाना है। तो चलिए आज का ब्लॉग बस यहीं तक। कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। राधे राधे। हरि बोल।